चैनल आज हम देखेंगे कचौरी बिल्कुल दो बूंद ऑयल में कैसे कचौरी बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। कचौरी का आउटर कवर बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा। इसमें डालते हैं नमक। तीन चम्मच तेल। इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंथ लेते हैं। इस तरह से एकदम नरम आटा हम गूंथ लेंगे और इसे ढक के रखते हैं जब तक हम स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम 2 चम्मच ऑयल इसमें डालते हैं। राई और जीरा। राई तड़तड़ाने के बाद प्याज डालेंगे। इसमें डालते हैं हींग 1/4 टीस्पून। अदरक लहसुन की पेस्ट। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। मिर्ची पाउडर 1.5 टीस्पून। और मिर्ची 2 मिर्ची ली। इसमें डालते हैं गरम मसाला 1 बॉइल्ड पोटैटो है, आलू है बॉइल किए हुए, 4 आलू लिए थे मैंने मीडियम साइज के, ये आलू डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले थोड़ा नमक भी डाल देते हैं, स्वादानुसार आप नमक डालिए। अभी अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। अभी इसमें थोड़े से बॉइल मटर डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छी आएगी मटर से। और धनिया, इसी ऑर्डर में आप डालिए सारे चीजें, बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। अभी इसे ठंडा होने देते हैं। अभी हम जो हमने आटा गूंथ के रखा था ना, उसे छोटे छोटे गोले करके लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से सेम आकार के इस तरह से। अभी हमारे हो गए हैं। अभी जो हमें स्टफिंग बनाया था ना, उसके भी छोटे छोटे ऐसे गोले बना लेते हैं। अब हम 1 लोई लेके सूखे आटे में डाल के, क्योंकि ये हाथ में चिपकेगा ना, इसके लिए अभी ये इस तरह से इसे बना के हाथ से ही करना पड़ेगा, आपको बेलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्मूथ आटा है। और इसमें डालते हैं अपना स्टफिंग। देखो, आपका स्टफिंग बाहर भी निकलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे तेल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इस तरह से सब बना लो आप। इस तरह से हमने सारी कचौरियाँ बना ली हैं। अभी इस अप्पे पैन में थोड़ा थोड़ा हम तेल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है, इससे थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। अभी हम एक एक करके रख देंगे। अभी इसे टर्न कर देते, बिल्कुल 2 मिनट रखा था इसे। ये अभी हो गए हैं, गैस में बंद करती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया हो गए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कचौरी बनके तैयार है।
आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।